जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुए भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत हुई। अस्पताल के डायरेक्टर्स और मैनेजर के खिलाफ गैरिरादन हत्या का केस दर्ज कर लिया गया। जबलपुर SP सिद्धार्थ बहुगुड़ा ने बताया कि डॉक्टर निशांत गुप्ता, डॉक्टर सुरेश पटेल, डॉक्टर संजय पटेल, डॉक्टर संतोष सोनी और मैनेजर राम सोनी के खिलाफ FIR की गई है। मैनेजर को हिरासत में ले लिया गया। SP ने यह भी साफ किया कि परमिशन देने वाले सरकारी अफसरों की भूमिका की जांच की जा रही, यदि उनकी भूमिका मिली तो उनके खिलाफ भी FIR की जाएगी। जबलपुर के न्यू लाइफ अस्पताल में डॉक्टर सुरेश पटेल और डॉक्टर निशांत गुप्ता डायरेक्टर हैं। हादसे के प्रत्यक्षदर्शी अतुल जैन, आग में झुलसे देवलाल वरकरे और हल्की बाई के बयानों के आधार पर विजयनगर पुलिस ने FIR दर्ज की। पुलिस के मुताबिक अस्पताल के डायरेक्टर और मैनेजर ने नर्सिंग होम के लिए जो फायर NOC ली थी उसकी वैधता मार्च 2022 में समाप्त हो गई थी। प्रोविजनल फायर NOC में स्वीकृत प्लान के मुताबिक अस्पताल में अग्निशमन यंत्र स्थापित किया जाना था, लेकिन अस्पताल में आग बुझाने के लिए यंत्र नहीं लगे थे, ना ही रेत की बल्टियाँ थी, ना ही इमरजेंसी में बाहर निकलने के लिए कोई अतिरिक्त रास्ता चिन्हित था। अस्पताल प्रशासन ने बिल्डिंग के सौंदर्यीकरण के लिए जिस प्लास्टिक का इस्तेमाल किया था उसने आग भड़काने का काम किया। यही वजह रही कि आग पर समय रहते काबू नहीं पाया जा सका। नगर निगम और CMHO ने अस्पताल प्रबंधन को फायर सेफ्टी को लेकर पत्र भी लिखा था, लेकिन प्रबंधन ने इसकी कोई परवाह नहीं की। इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी ऑडिट भी नहीं कराया था। अस्पताल के लोड और जनरेटर के लोड में अंतर था, इस वजह से वायर में शॉर्ट सर्किट हुआ। ये थी आज की खबर। और खबर हम आप तक पहुंचाते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।